टिकटॉक यूजर के लिए गुड न्यूज, उनका टिकटॉक फिर से वापस प्ले स्टोर पे आ रही है, लेकिन साथ में कुछ शर्तें लेके आ रही है, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन लेके आ रही है। वो क्या है टिकटॉक के शर्तें, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं इस शर्त को तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो क्या है शर्तें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्ते, मैं गौतम कुमार और आप जो देख रहे हैं वो है टेक्निकल, आपका स्वागत। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक को प्ले स्टोर से रिमूव करवा दिया, कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पे अनिल केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि टिकटॉक के अंदर में कोई ऐसी खराबी नहीं है जिसके अनुसार से बैन किया जाए। और टिकटॉक की दोस्तों आपको भी पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि टिकटॉक के रोज का $5 लाख का नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसने जो खराब वीडियो जितने भी बैड वीडियो था यानी कि 60 लाख से ऊपर वीडियो अपने टिकटॉक पे से मतलब हटा दिया। दोस्तों, अब तो आ रहा है जो भी जैसे भी करके जैसे भी सुलझा के टिकटॉक फिर से प्ले स्टोर और जो भी स्टोर है मतलब एप्पल स्टोर जो भी है वहां पे वापस वो आ रहा है, जहां जहां से रिमूव किया गया था वहां आ रहा है, यानी कि आने में 2-3 दिन और लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बैकअप लेने में टाइम लगता है, क्योंकि वो मतलब 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड टिकटॉक इंडिया में हो चुका था, तो उसको बैकअप लेने में मतलब थोड़ी सी टाइम लग रही है सारी चीजें उसमें। और कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाया गया, उसमें बताया गया है कि ऐसी वीडियो इंडिया ने शर्त रखा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने शर्त रखा कि अगर इंडिया में अगर कोई भी गलत वीडियो बनता है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए। जैसे सारी जगह आप देखते हैं कहीं पे कूड़े फेंकते हैं या कहीं भी नगर पालिका वगैरह, तो वहां पे रिपोर्ट करने कुछ रहता है, उसी तरह से आपको अब टिकटॉक में ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट करने का। अगर आपके ऊपर 2-3 बार रिपोर्ट हो जाता है तो फिर आप जेल जा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है, आप अगर गलत कॉमेंट करते हैं किसी वीडियो पे या जो लड़की के या जो भी वीडियो थे उस पर गलत कमेंट करते हैं आप, तो वो कमेंट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर बार बार कमेंट करते हैं तो फिर आपको रिपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि बिना कुछ किए रिपोर्ट हो जाएगा, फिर आपको जो भी है पुलिस स्टेशन आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपकी इंक्वायरी होगी, सारी चीजें होगी। और उसके बाद अगर आप गलत वीडियो बनाते हैं तो आपकी जो चैनल है जो भी आप क्रिएट किए हैं आईडी वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। और बार बार वही काम कर रहे हैं तो आपके टिकटॉक जो है मतलब कभी भी आप टिकटॉक मतलब आईडी नहीं बना सकते या वीडियो नहीं बना सकते, आपको फेस जो है मेंशन करना होगा, जो फेस जो है फेस मतलब आप दिखा रहे हैं उसे, तो आपको कभी भी एक गलत काम जो है वो नहीं करना होगा टिकटॉक पे, वरना आप फिर से जेल जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ कैसा मतलब कि आप जो फील कर रहे हैं, आपका जो टिकटॉक फिर से वापस हो गया आ गया है प्ले स्टोर में, तो आपका कैसा फील हो रहा है, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।